वेलकम टू माय चैनल एसिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोस। और आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इडली का बैटर आप कैसे बनाएं घर पे, जिससे जो इडली है बहुत ही सॉफ्ट और हल्की इडली बने। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी पूरी फॉलो करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल। तो जिस आप किसी भी कप या कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी कटोरी से आप चावल लेंगी उसी सेम कटोरी से आपको दाल भी लेना है, तो जो रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो पहले दाल और चावल दोनों को साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हम पानी में भिगा के रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पे दाल और चावल जो दोनों हैं दोनों को ही साफ़ करने के बाद मैंने पानी में भिगा दिया है। और पीसने के टाइम पे जो दाल में जो आपको पानी दिख रहा है उसे हम यूज़ कर लेंगे पीसने के लिए, और जो चावल में आपको जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है उसे हम फेंक देंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो दाल को और चावल को दोनों को अलग ही अलग पीसना है, जिससे एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए। और पीसने के बाद हमें इसे साथ में मिक्स कर देना है। और दाल और चावल जो दोनों का पेस्ट है वो रेडी हो गया है, और उसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे 10 मिनट तक। हमें ये मेथड करना है, ये बहुत ज़रूरी है सॉफ़्ट इडली बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो अब इडली के बैटर को हम 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, या आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसे बना सकते हैं। तो आप ये देखिए जो इडली का बैटर है वो तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और जब इडली का जो बैटर है जब अच्छे से फर्मेंट होता है तो इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हुआ है, और ये थोड़ा गाढ़ा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा हम पानी भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और जो इडली का बैटर है वो डोसे के बैटर जैसा ही होना चाहिए, कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और चलिए अब हम इडली बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इडली फ्रेम ले लिया है और मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी या तेल, आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चलिए अब हम इडली बना लेते हैं। तो इडली को पकाने में 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। तो आप इसे जो इडली कुकर होता है उसमें थोड़ा पानी आप रख दीजिए, और उसके बाद आप उस ऊपर फ्रेम रख के 10 से 12 मिनट में इसे आप रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही हल्की और बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है और बिना किसी मेहनत के निकल रही है बिल्कुल। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, मेथड पूरा फॉलो करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।